दोस्तों आज मैं आपसे वेस्ट अफ्रीका में बसे हुए एक बेहद ही ज़्यादा खूबसूरत लेकिन बेहद ही ज़्यादा पछड़े हुए देश गिनी बिसाउ के बारे में बात करूंगा, जिसको पूरी दुनिया इसके ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ गिनी बिसाउ के नाम से जानती और पहचानती है। यहाँ की दोस्तों कैपिटल सिटी और यहाँ की सबसे बड़ी सिटी है बिसाउ। तो वहीं इस देश में बोली जाने वाली जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है पुर्तगीज। खूबसूरती से भरा हुआ ये कमाल देश कुल मिलाकर फैला हुआ है 36,125 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में, और इस तरीके से ये पूरी दुनिया का 134 नंबर का देश है। तो वहीं दोस्तों पूरे देश के एरिया का लगभग 22.4% हिस्सा वाटर यानी पानी से कवर है। ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार यहाँ की टोटल पॉपुलेशन 18,75,000 को पार कर चुकी है, और पॉपुलेशन के मामले में ये पूरी दुनिया की 148वें नंबर की कंट्री है। तो वहीं पॉपुलेशन डेंसिटी है यहाँ की 47 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी भीड़ भाड़ की समस्या यहाँ बिल्कुल नहीं होती। रहने के मामले में दोस्तों ये वैसे ना काफ़ी ज़्यादा एक पछड़ा हुआ देश माना जाता है, और ये बात आपको इसके एचटीआई स्कोर को देखकर पता चल भी जाएगी। आज के दिन गिनी बिसाउ का दोस्तों लेटेस्ट एचटीआई का स्कोर है 0.480, और इस तरीके से ये कंट्री आती है लो ह्यूमन डेवलपमेंट के इंडेक्स में, और इनकी रैंकिंग दोस्तों पूरी दुनिया में है 175वें नंबर पर। तो सही में बहुत ही ज़्यादा बैड लेवल की कंट्री है दोस्तों गिनी बिसाउ आज के दिन ज़िंदगी जीने के लिए। वहीं अगर यहाँ की करेंसी की बात करें तो इस देश में चलने वाली दोस्तों करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक, और आज के दिन दोस्तों ये करेंसी इंडियन करेंसी के सामने ना आपको काफ़ी कमज़ोर पड़ती हुई नज़र आएगी, और इंडिया का एक रुपया ही तकरीबन 7.5 वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक के बराबर है। तो चलिए दोस्तों देर किस बात की, जानते हैं इस बेहद ही खूबसूरत लेकिन काफ़ी ज़्यादा गरीब देश को बिल्कुल करीब से बिल्कुल अंदर से। वीडियो में आखिर तक बने रहना, वीडियो दोस्तों बेहद ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बेहद ही ज़्यादा कमाल की होने वाली है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि कहीं गिनी और गिनी बिसाउ ये की तो देश नहीं है, लेकिन दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं गिनी और गिनी बिसाउ ये दोनों डिफरेंट देश हैं। ये देश दोस्तों आज़ाद होने के बाद 1974 के साल में पहली बार पूरी दुनिया के सामने एक स्वतंत्र देश बनकर आया था, और उस समय दोस्तों इसकी कैपिटल सिटी का नाम बिसाउ था, जिसके बाद कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए इस देश के नाम के साथ कैपिटल सिटी का नाम भी जोड़ दिया गया, और इस तरह से दोस्तों इस देश का नाम बना गिनी बिसाउ। काफ़ी ज़्यादा पछड़े हुए इस देश की दोस्तों आबादी में ज़्यादातर हिस्सा आपको क्रिश्चियंस का देखने को मिलेगा, और पूरे देश की आबादी का 62% हिस्सा क्रिश्चियन लोग हैं, हालांकि बाकी के 38% लोग दोस्तों इस्लाम धर्म को फॉलो करना पसंद करते हैं। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स का ये दावा है कि 2040 का साल आते आते यहाँ का सबसे बड़ा धर्म क्रिश्चियंस का धर्म नहीं रहेगा बल्कि हिंदुओं का धर्म सबसे बड़ा हो जाएगा आबादी के मामले में, क्योंकि आज के दिन दोस्तों हिंदुओं की आबादी बड़ी ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, क्योंकि हिंदू पॉपुलेशन का यहाँ पर फर्टिलिटी रेट बेहद ही ज़्यादा है। तो वहीं क्रिश्चियंस यहाँ पर बच्चे बहुत ही ज़्यादा रेयरली पैदा करते हैं। गरीबी इस देश में काफ़ी ज़्यादा है, जिसके चलते दोस्तों लोगों के पास व्हीकल्स की भी बहुत ही ज़्यादा कमी देखने को मिलेगी। आज के दिन पूरे देश में आपको सिर्फ 62,000 मोटर व्हीकल्स ही देखने को मिलेंगे, यानी 1,000 लोगों के पीछे यहाँ पर सिर्फ 41 व्हीकल्स हैं। इस व्हीकल्स में दोस्तों बाइक, स्कूटी या फिर कार, सभी तरह के व्हीकल्स शामिल हैं। वैसे पैसे की तो इनके पास बेहद ही ज़्यादा कमी है, लेकिन इसके बाद भी आपको ये बात जानकर काफ़ी खुशी होगी कि यहाँ पर आपको अच्छे खासे लेवल के 8 एयरपोर्ट्स देखने को मिल जाएंगे, जिसके चलते दोस्तों अगर आप इस देश में घूमने जाना चाहें तो आपके लिए काफ़ी अच्छी बात है कि एयरपोर्ट्स की यहाँ कोई भी खास कमी बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी। पूरे देश की खूबसूरती को 4 चांद लगाने का दोस्तों यहाँ काम करती है रिवर कैच्यू। अगर हम आज के दिन इस देश की GDP की बात करें तो गिनी बिसाउ की दोस्तों टोटल GDP पार कर चुकी है 1.9 बिलियन US डॉलर को, और इस तरीके से ये पूरी दुनिया में दोस्तों नंबर 193 की रैंकिंग को हासिल कर चुकी है। बेहद ही ज़्यादा दोस्तों GDP के मामले में कमज़ोर है ये देश। तो वहीं GDP ग्रोथ रेट है इसकी 5.9%, तो वहीं GDP पर कैपिटा है इसकी 1200 US डॉलर, लेकिन ये 1200 US डॉलर इसलिए इतनी बड़ी रकम आई है पर कैपिटा के हिसाब से, क्योंकि दोस्तों ये GDP पर कैपिटा है PPP के हिसाब से।
वहीं अगर बात जीडीपी सेक्टर्स की करें तो यहाँ की टोटल जीडीपी का तकरीबन 56% हिस्सा एग्रीकल्चर के काम से, 31% हिस्सा सर्विसेज के काम से, तो वहीं दोस्तों लगभग 13% हिस्सा इंडस्ट्रीज़ के काम के चलते आ पाता है। यहाँ की आबादी के लगभग 92% लोग आपको पूरी तरह से खेती बाड़ी के काम के ऊपर ही डिपेंड रहते हुए नज़र आएंगे। लेकिन एक चीज़ है जहाँ पर दोस्तों ये देश इंडिया से ना काफ़ी बेटर है, और वो चीज़ है इन्फ्लेशन। लगातार 2012 के साल से यहाँ इन्फ्लेशन मेंटेन है 2.40 से लेकर 3.20 तक, लेकिन इंडिया में तो इन्फ्लेशन 8% तक भी कई बार पहुंच जाती है। गरीबी से भरा हुआ देश है तो दोस्तों पॉवर्टी रेट तो यहां का ज़्यादा होगा ही। ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार गिनी बसाओ का पॉवर्टी रेट है 63.9% और ये लोग यहां पर हर दिन $2 से भी कम कमाते हुए नज़र आते हैं, यानी 150 रुपये भी दोस्तों नहीं कमा पाते गिनी के लगभग 63% लोग। पूरी आबादी तो इस देश की 18 लाख के आसपास है, लेकिन इसमें से तकरीबन 6 लाख और 97,000 लोग सिर्फ लेबर के काम से जुड़े हुए हैं, और लेबर के तौर पर दोस्तों ये खेतों में काम करते हुए नज़र आएंगे, जहाँ फिर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में भी ये काम करते हुए आपको नज़र आ जाएंगे। गिनी बिसाउ में आज के दिन अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो वैसे सिर्फ 9.82% है, क्योंकि ज़्यादातर लोग दोस्तों छोटे छोटे कामों से तो जुड़े ही हुए हैं। गरीब ये देश भले ही हो, लेकिन इसके बाद भी एक्सपोर्ट करने में ना थोड़ा तो आगे निकलकर सामने आता है, और ये हर साल तकरीबन 244 मिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट करता है, जिसमें मेन तौर पर ये दोस्तों एक्सपोर्ट करता है काजू, पीनट्स और साथ ही नॉन फिल्ड फ्रोजन फिश। और एक्सपोर्ट में दोस्तों जो इसकी खास लेवल की कंट्रीज हैं, इसकी खास पार्टनर्स हैं, वो हैं इंडिया, चाइना, वियतनाम और नैदरलैंड्स, और इसका मेन एक्सपोर्ट तो हमारे इंडिया में ही आता है। वहीं इम्पोर्ट ये देश हर साल तकरीबन 398 मिलियन यूएस डॉलर का सामान दूसरे देशों से लेता है, जिसमें आपको देखने को मिलेंगी रिफाइंड पेट्रोलियम, राइस, सूप और साथ ही दोस्तों सीमेंट। इम्पोर्ट में इस देश की आपको मेन पार्टनर्स देखने को मिलेंगी सेनेगल, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम और हमारा महान देश इंडिया भी। गिनी बिसाउ एक ऐसा देश है जहाँ की लड़कियों को दोस्तों ज़्यादातर समय अपनी कल्चर के लेवल से मैरिज ही करनी पड़ती है, और यहाँ पर लव मैरिज का ट्रेंड आपको काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिलेगा, और काफ़ी गरीब देश होने के चलते यहाँ की लड़कियों का लाइफस्टाइल भी काफ़ी ज़्यादा लो लेवल का देखने को मिलेगा। वहीं अगर बात फर्टिलिटी रेट की करें तो ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार आज के दिन गिनी बिसाउ का फर्टिलिटी रेट है 4.48 बर्थ पर वुमेन, यानी गिनी बिसाउ में रहने वाली एक वुमेन 4 से 5 बच्चों को एवरेज तौर पर ही जन्म देती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है दोस्तों वर्ल्ड के एवरेज के मुकाबले। इसके अलावा गिनी बिसाउ को दोस्तों एक बहुत ही ज़्यादा डेंजरस कंट्री भी माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर गरीबी ज़्यादा है तो क्राइम रेट बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है, और बहुत सारी वुमेन पर अत्याचार आपको कॉमनली ही इस देश में देखने को मिल जाएंगे। अगर बात लिटरेसी की आए तो आज के दिन गिनी बिसाउ का लिटरेसी रेट है 45.58%, यानी 100 के पीछे आपको सिर्फ 45 लोग ही यहाँ पर थोड़े बहुत एजुकेटेड देखने को मिलेंगे। बात अगर दोस्तों लाइफ एक्सपेक्टेंसी की करें तो आज के दिन गिनी बिसाउ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 58 साल, यानी हर इंसान यहाँ पर लगभग 58 साल तक जिंदा रहता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा पिछड़ा लेवल का देश है। इसके बारे में दोस्तों आपका क्या कहना है मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताना, ऐसी वीडियोस आपके लिए हमें दोस्तों डेली लानी है, तो अपने ही चैनल रॉक फैक्ट को सब्सक्राइब कीजिए।